भी बेटा बोलते हैं। इसलिए एक माइक देना इसको, कविता को माइक दो। माइक कहाँ है? कविता को माइक दो। मैं जब स्टेज पे सर नहीं आई थी, आप बोल रहे थे वो मेरे से चार फीट लंबी है, तो मुझे लगा मैं जब स्टेज पे रहूंगी नहीं, वो पूछेंगे चार फीट ही, मैंने कहा था चार इंच। ओहो, चार इंच तो फिर भी चार इंच अगर मैं ऊपर रही तो मुझे लगा मैं जब आऊंगी। और देखो मेरी खुशकिस्मती, हाँ जी, कि मेरी बेटी अगर चार इंच मुझसे बड़ी हो जाए तो मेरी खुशकिस्मती से कोई टकरा ना पाएगा। अगर मेरी बेटी चार इंच मुझसे बड़ी हो जाए पंकज जी, तो मेरी खुशकिस्मती से कोई टकरा ना पाएगा, क्योंकि बेटियां वो ही होती है जो कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कभी इंदिरा गांधी, कभी सरोजनी नायडू, कभी कुछ ना कुछ बन जाती या प्रतिभा पाटिल बन जाती है। ऐसी मेरी बेटी बनेगी। एक बार जोरदार ताली। मुझे लगा आप पूछने वाले हैं ऊपर का मौसम कैसा है, लेकिन एक बात बताऊं, आपके यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ठंड, और इस ठंड वाले मौसम में ना इतना अच्छा मजा आने वाला है, अमेजिंग सॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी बताइए। तुम्हें ठंड इतनी जोर से लग गई, हमारे शहर में इतनी ताली बजती है ना कि ठंडी खत्म हो जाती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आज की शाम को हम खूबसूरत बनाते हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कलाकार के साथ, यानी कि कविता के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, काली पूजा समेत के लिए, सबके लिए। क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? यार इसके संजू भूखे मर जाएगा, लेकिन इसके बगैर नहीं जी पाएगा। क्या चाहिए? जम के। और सुनो बेटा, क्या है ये मेडिकल साइंस का मानना है, अगर किसी आदमी को कोई कुत्ता काट ले और वो कुत्ता अगर, पंकज जी, अगर वो कुत्ता अगर 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर अगर मर जाता है, तो उस आदमी को कभी ना कभी अटैक होता है और उसके मुंह से कुत्ते की आवाज निकलने लगती है। इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। संयोग से हमारे एक मित्र को, कविता, हमारे एक मित्र को एक कुत्ते ने काट लिया, और जानती हो बेटी वो कुत्ता 2 महीने में मर गया। और मेरा मित्र आगे चल के टीवी में न्यूज रीडर यानी कि दूरदर्शन पे समाचार वाचक हो गया, और देखो जिस वक्त वो समाचार पढ़ने गया उसी वक्त उसे अटैक हो गया, तो कुत्ते के आवाज में समाचार कैसे पढ़ी गई? तो मेरा साथ दोगे ना? वादा, माइक पर बोलो वादा। हाँ चलो वादा। एक बार कविता के लिए जोरदार ताली। देखो टीवी ऑन हुई, टीवी से आवाज आई, क्या आई? भाई साहब नमस्कार, हमारे जितने भी माइक ऑपरेटर हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए कि भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा। टीवी ऑन हुई, टीवी से आवाज आई, नमस्कार, आज के समाचारों में श्रीलंका की गुफा में सेनाओं ने घुस की, आपस में कर दी। आज पाकिस्तान में एक दीवार की गिर जाने से एक महिला की हो गई, जबकि देश में चारों तरफ वातावरण है, ऐसे में हम लोग ढूंढ रहे हैं। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष श्री बुतरस घाली दोनों ने आधे घंटे तक आपस में टेलीफोन पर किया। आज सुबह देश के 4 महानगरों का तापमान इस प्रकार रहा, मुंबई 0 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 0 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 0 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन जिस समय हम लोग पूजा तो बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन जब विसर्जन का समय होता है बहुत कम लोग होते हैं। शपथ खाइए दोनों हाथ उठा के सभी लोग कि विसर्जन में सब साथ जाएंगे। दोनों हाथ उठा के एक साथ बोलो काली।